Gracias. My life is full of all the time. Ruben Brown, okay? Ruben Brown, what are you? It is a meaning to me. The father of Dramatic Monologue. Who is the father of Dramatic Monologue? Robert Browning. Robert Browning. Okay? My last essay is written by Robert Browning. Shu matlab tha? Dajesh matlab rahi. Okay? What is the meaning of Dajesh rahi? To jo my last Dajesh is a poem by Robert Browning. To kahi sakai ke my last Dajesh is a poem cha? Ekpana tara la kamar ni by Robert Browning bana. It is a dramatic monologue and 28 running couplet and 56 lines. To bhai Robert Browning, je pote, the father of dramatic monologue. So dramatic monologue ka cha, ye father ka naam hai. Barabar, and ye humne aapko kitna bada ki 28 running couplet. Matlab 28 style ki couplet mein to lagwa maangi thi. Ale aapko inme total lines kitni aayi thi? To 56 lines. Okay? ऐसा ना कि एग्जाम में आप हमें लगता है सब के इंट्रोडक्शन में आप जो मेंशन करवा रहे हो क्या भाई भाई लास्ट बच्चीस एट ट्वेंटी कंप्लीट में लगाई दी थी अने 56 इनी लाइन्स थी ओके हमें जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग तो भाई रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखी हुई है मतलब क्या होता है ड्रामेटिक मतलब एक्शन ओके मोनो मतलब सिंगल एंड वॉक मतलब कन्वर्सेशन तो ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब ये है कि वे पात्रों है बराबर तो वयम स्वरूप एक पात्र द्वारा एक ड्रामा तरीके दर्शावामां आवे जेने कहेवाय ड्रामेटिक मोनोलॉग बे कैरेक्टर्स हो बे कैरेक्टर्स वच्चेनो वार्तालाप एने कहेवाय ड्रामेटिक मोनोलॉग It first appeared in 1842 in Browning's Dramatic Lyrics, a collection of poems and also written in iambic pentameter. So, my dramatic monologue is a television monologue. So, I said, I have a dramatic monologue published in Amaritu, and a book Dramatic Lyrics published in Amaritu. ओके तो जो समझो रॉबर्ट ब्राउनिंग 1843 में पब्लिश करे छे અને સેવા પબ્લિશ કરે છે ડ્રામેટિક લિરિક્સ ક્લબ ઓફ કલેક્શન ઓફ પોએમ્સ તો એ બીજે જે પોએમ હતી એનું એક કલેક્શન હતું જેનું નામ હતું ડ્રામેટિક લિરિક્સ ઓકે તો ડ્રામેટિક લિરિક્સ ની અંદર શું કરવામાં આવે છે ભાઈ આ એની પોએમ બાય બાય છે અમે બીજી પોએમ આપણે ભણવા तो आपने कोई ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश करवा मांगे इतनू नहीं ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश करवा मांगवाई पर आप कई रीति लगाई थी और आया भी पेंटामीटर ओके तो आया भी पेंटामीटर ने अंदर आ जो वक्त से लगाई मुझे हमें जो आगे आ बद्दा पॉइंट्स एग्जाम का इंट्रोडक्शन में मेंशन करवा दूं A major point of technique Browning uses in my last essay is ekphrasis. So, what is ekphrasis? तो हमें समझे दो कि आप पोएम के अंदर में मेजर जो एक्टिव टेक्निक्स होती है एक कई टेक्निक्स जो यूज करा मार जो भाई ekphrasis तो व्हाट इज ekphrasis समझाओ कोई चीज ना हो के दीवार पर कोई रानी का चित्र है मतलब आप पोएम के अंदर से क्या कह रहे हैं कोई चित्र है बे कैरेक्टर्स है ओके
ठुलो एक क्यारेक्टर विचारले भन्ने आ चित्रले सम्झाउँछ आ चित्र आउनु चाहिँ आ चित्रमा चाहिँ के आरेख छ आ चित्रमा चाहिँ के छ नि पुरै एकडी आरेख छ एउटा छुटु भएको आवी छ भने के हो त पाइसमा बात गरे त यही नै छ कि वाइ छ र टिम नो खेला ओके त मेसेन्जर अफ टाइम Just understand. So what is the meaning of emphasis? Raja cha, messenger cha, and then any je light officer cha, beauty party cha, whatever. Ek chitra chune samjhau chha ma images aaye the. Whatever. So koi bhi character chha, ek patra bijay patra ne ek chitra beauty dar chale. Ya aam bhaye ki aaye ho tu aaye the le tu. So agar mujhe je patra lagta hai, then dramatic moment bhi kahi sakta hai. And then कोई भी तभी पोयम है कोई भी वंश है तो ये रखा है तो कोई ना ऊपर तेज आधार रखते हुए बराबर तो बेस हो तभी जूझो मुश्किल कोई भी पिक्चर आई कोई भी पिक्चर ताकि रेस्ट तो पास लिखते गुंडा नहीं स्टोरी है तो पिक्चर नहीं चला कि ना बेस ना और क्रिमिनल तो बच्ची कभी आपने पिक्चर जो ऐसा हो तो खाओ नीचे देश और संजय दत्त बराबर तो कोई ना ऊपर वस्तु रखा ही हुआ है तो सेकंड इज आ माय लाइफ इज दिस ये वस्तु भी कोई ना ऊपर रखा ही है तो जो हो दैट इज मींस द वाइफ और विडो ऑफ न्यू दैट इज जो मतलब सुनता कोई राजा की पत्नी था या तो विधवा पत्नी और था द पोयम इज बेस्ड ऑन रियलिटी तुमने स्टार्टिंग में कही थी तू कि मैं लाइफ चीज है एक कुछ है एक रियलिटी है मतलब आज कोई घटना घटी थी जिसके ऊपर रोबर्ट ब्राउनी के फ्लावर्स लगी ओके इतनी तो आप लोग को पड़ी गई कि भाई माय लाइफ चीज है एक खाली ओनली एंड ओनली इमेजिनेशन और तो फिक्शन ना तो दिस वर्क इज नॉन फिक्शन पोयम मतलब क्या कोई रियलिटी थी अने गाउ पर हमारा लाइफ चीज वर्क्स लगा है मुझे टू आवर इट इज कंसीडर्ड दैट द स्पीकर इज मोस्ट लाइकली एन वन सो सेकंड डी स्टेट द फिफ्थ ड्यूक ऑफ फेरारा तो भाई अल्फोंसो सेकंड हम लोग एना ऊपर आ वर्क कर बाबा आ भी जे खबर पड़ी एक तो सुबह पड़ी आपने કે આપણે રિયાલિટી પર લગાવ્યું છે અને રિયાલિટી પર પણ લગાવ્યું છે એ લોકો ઈશ્યુ નથી પણ આ એલ્ફોન્સો બરાબર એલ્ફોન્સો સેકન્ડ ધીસ વોઝ માય ફિફ્થ ડ્યુ ફિફ્થ ડ્યુ ઓફ ફેરારા તો ફેરારાનો જે પાંચમો રાજા જે પાંચમો રાજા તો એલ્ફોન્સો સેકન્ડ એ નાઉ પર આ વર્ક માય લાઈફ છે अबे देखो, who married Lucrezia the 40 years old girl, 8 days तो भाई, आप मैंने ये तुम्हें क्या कहा? Lucrezia, ये जो लाइफ सिस्टम है, ये तो बस नंबर Lucrezia की, बराबर? तो आप Lucrezia जुड़े, Alfonso ना, मेरे क्या कहा? ओके? आदि। तो क्या हो रहा है? यह एल्फोंसो अने मुकलीज या बंदीना नेरेचेटा बराबर और नेरेचेटा के कपड़े ना सकंदो बता और 40 ईयर ओल्ड गर्ल्स तो तुम्हें विचारो ये वक्त ये राजा से कुछ तो ते राजा पोता था थी ना घूमने चुपड़ी हुआ ये ना घूमने मेरे परी सबको तो तुम तो अपन के मुकलीज या ये वक्त कॉलोनी मापना 14 वर्ष की चुपड़ी है तो तुम्हें विचार करो कि 14 वर्ष की चुपड़ी आमा मोटा राजा करे मैनेज करे जा तो सुना है कि चली मानसिकता का पीड़ा है बहुत बड़ी कैसे मानसिकता का पीड़ा है अगर तो मैं क्या करें मैरिज करी नहीं जाए राजा को उम्र का बता इन्हें कैसे आगे पर बात करी चाहे वर्तन कर तो से एक्सप्लेनेशन मतलब हम सोशल भी फाइबर से बराबर ये वक्त
मैसेंजर पची का मैसेंजर लेवल बाबा तो क्या रोमांटिक व्यू है ना कौन मैसेंजर और चीनी की बात कैसे मैसेंजर क्या रोमांटिक मैसेंजर हो काम नजीक का कोई टाइम चलो कैसे बराबर पची जे मेन वाच दर्पी नॉक क्या रहा कोई दर्पी नॉक क्या रहा बोला अच्छे તો મેં ખાધા ખવડાવવાના પીડાવવા કોઈ ચાર રસ કરાવે એ બધું થોડું થોડું મોકલો
લઈ જાય છે જો અને પછી શું કરે છે રાજા જે પડ્યો પડ્યો હોય છે સેના ઉપર પડ્યો હોય છે કે જે ચિત્ર હોય છે ચિત્ર ઉપર પડ્યો ઉઠાવે છે અને પછી એ મે છે જે રાજા બતાવે છે બરાબર જો આ કી હેલિકોપ્ટર આ રા મેસેન્જર હવે અને આ કી ઉચ્ચારણ મૃત્યુ પામે લાસ્ટ ચેસ ઓકે તો ડ્યુક એક્સપ્લાઇઝ ઇઝ લાઈક ઇટ ઇઝ ટુ મેસેન્જર ડ્યુક અહીંયા શું હોય છે એક વસ્તુ છે ડ્યુક છે એ સ્પીકર હોય છે સ્પીકરની ભૂમિકા હોય છે બરાબર અને આ બાજુ જે સેન્ટર હોય છે એ લિસનરની ભૂમિકા ભજવે છે ખબર પડી તો રાજા કોણ છે અને મેસેન્જર તેમની વાત સાંભળશે રાજા કોણ છે Yeah.
कैसे क्या करा था रात एंड बना डिजाइन कर पाई थी फॉर लेवल रिच स्ट्रेंजर्स लाइक इट दैट पिक्चर काउंटेनेंस मतलब कि जितना भी लोगों मारा भले आवाज है बराबर मारा भले मेरे मार्जिन में आवाज है तो दरेक ना ले सिग्मा आप पिक्चर जो आ बंदू बंदी और तभी इसको आजा स्ट्रेंजर्स मतलब तो मुलाकात की और तो घर यार स्ट्रेंजर्स लाइक इट दैट पिक्चर काउंटेनेंस तो दरेक ने आप पिक्चर आ एक दिन तब ले जाएगा जो जो आप बोला था एक दिन जो आप बोलतू बती the depth and measure of age dash less मतलब कि दरेक लोगों आने का जो उम्र पूर्वक अन्य उत्सव खतरा पूर्वक जो आप मारते थे आप पिक्चर मजा आप पिक्चर एक पावा थे और अब आप उत्सुकता उत्सुकता पूर्वक जुनून की जो आला सब आप पिक्चर में आओ तो सुबह से पोताली नजर वाला पिक्चर भी हमारी शक्ता होती बराबर बॉय पच्चीस में कैसे तुम हो बॉय टू माय सेल्फ डिटर्न सीज नॉट बुक्स माय द कंटेंट आई हैव ड्रोन फॉर यू बट आई तो सुन क्या चला जा रहा है ये जो वो के दरेक ने भी आप नहीं कहा होती पर पच्चीस में कैसे इंद्रा चलना आनंद माई है पर पची એટલે આગળ જ કહી ગયા તો રાજા વિલા છે રાજા રાજાની પત્ની છે બરાબર એટલે પછી એવા લોકો એ પિક્ચર સામે જોવાનું બધા વસ્તુ કાઢી દે છે અને પછી ચૂપચાપ ઉભા રહી જાય છે રસુદ સેસ ના કુછ બાય કે રાતે આઈ નો બટ આઈ તો દરેક ની તાકાત હતી હતી કે આ પડદો ઉપર મતલબ પડદો હતા એટલે રાજાની પિક્ચર જોઈ શકે પણ આજે હું તમને બતાવું છું As soon as they would ask me, if they just how such a class can they not the first? I would turn and ask the matlab kya pachi sudha hai jab as soon as they would ask me, matlab pachi aao bas ek ajay ki pata nahi patlu aave but chitra jo hai baar ye kuch malo mera try kar rahe her mental lapse over my lady's wish to
Thank you.